वी आर रेडी टू गो मथुरा। ट्रेन मिस हो चुका है, ट्रेन मिस हो गया था जिसमें हमको जाना था। फिलहाल हम बैठे हैं एसी में, ये आप देख सकते हो, भाई फोन चला रहे हैं। ये कुछ व्यू है, स्टेशन ही मथुरा है, ठीक है। बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले, ऑलमोस्ट एक घंटे में पहुंच रहे हैं, 1 घंटा 30 मिनट अराउंड ना, मतलब 1.5 घंटे में लोग पहुँच जाएंगे। ट्रेन जिसमें हम आए हैं, बाकी अब हम चल रहे हैं इधर से मथुरा जाएंगे। मथुरा जाके फिर वहाँ से देखते हैं कैसे करना है। वी रीच आवर डेस्टिनेशन मथुरा जंक्शन, यहाँ आ गए। ये हमने फाइनली, ये आप देख सकते हैं, ये टिकट काउंटर वगैरह, यहाँ से लोग टिकट लेते होंगे। ये मथुरा जंक्शन है और यहाँ से हम जाएंगे, मतलब पहले तो जाएंगे जन्मभूमि जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वृंदावन, यही कुछ प्लान है। यहाँ पर अंदर फोन अलाउ नहीं होता, तो सब कुछ हम लोग जमा करेंगे साइड में, जिधर साइड वो है वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, लॉकर वगैरह होता है वहाँ पर। मतलब यूजुअली लोग अपना सामान रखते हैं, 10 रुपये चार्ज है बैग का, और उसके बगल में आप सेलफोन वगैरह भी रख सकते हैं। हमने तो बैग में ही रख दिया था, वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता, यही सीन है। बाकी आप बहुत ऊपर पीछे पीछे देख सकते हैं, सामने ये सीन है, अभी शायद मंदिर बंद हो गया है। तो ये कुछ इधर का ऐसा दिख रहा है, ये हमारे पुलिस वाले मतलब पूरा वो सेफ्टी का वो ध्यान रखते हैं। हाँ, तो हमने जस्ट अभी दर्शन कर लिया है, सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे जगह का दर्शन मिले। जस्ट कृष्ण जन्मभूमि के सामने बड़ा दिखा दे रहा हूँ, ये जगह कुछ तो ऐसे दिख रहा है। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं, अब चलेंगे खाने। ये यहाँ पर आए हैं तो बाकी देखते हैं क्वालिटी थाली में क्या क्या है। आप देखो तो थाली में हमको मिल रहा है एक पापड़ मिल रहा है, और अचार है, चार रोटी है, थोड़ा सा चावल है और दाल वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर भाई का पास भी वो सेम चीज़ है, तो ये 80 रुपीज़ का है। वैसे पापड़ हमने एक्स्ट्रा लिया इसलिए 10 रुपये ज़्यादा लगा है, थोड़ा मेरा जल गया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल बस है जो हमें वृंदावन तक लेके जाएगा, 25 रुपीज़ रेट उसका ये है, फेयर है, मतलब किराया बोल सकते हो। वो आ रहे हैं सर, हमारा भी किराया लेंगे 50 रुपये, दो जन हम लोग हैं इसलिए, तो 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जा सकते हैं। टिकट होता है, इसमें जाओ आराम से, ठंडा भी नहीं लगेगा, पूरा पैक है। ऑटो वगैरह में जाओगे तो महंगा भी पड़ेगा, और थोड़ा में तो मेन आपका रहता है कि हाँ वहाँ पर प्रेम मंदिर हो गया, बाकी बिहारी यहाँ से 1 किलोमीटर है। पुंज गलियों की पहचान जहाँ चैन लग जाए वो पुंज गली शुरू है। ये है निधिवन, ये जिसको निधिवन बोला जाता, तो गाइस ये है निधिवन, आप देखो ललिता कुंड। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि भगवान महाराज कर रहे थे, तो 6 महीने की एक रात की थी उन्होंने। अच्छा, तो जब मेरा महाराज हो तो उसको कोई देख नहीं सके, भगवान के महाराज करते गोपी थकने लगी, ललिता सखी को प्यास लगी, तो भगवान ने यमुना जल दिया, वो यमुना जल गोपी पीने को स्वीकार नहीं कर, भगवान ने फिर बंसी अपनी जमीन में ऐसे मारी, तब तो पानी की एक फवार निकली पानी की। अच्छा, वो पानी इकट्ठा किया उस कुएं में, 16,160 गोपियों की प्यास की जाए, उस कुएं पुण्य जो जल है वो हमारा है, वो कभी सूखता नहीं। राधा रानी को बंसी चोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक टाइम सुख मुकुट और बांसुरी चुराया और स्वयं महाराज करना जब शुरू किया, तो भगवान ने बंसी चोर नाम दे दिया राधा रानी को। तो ये है यमुना घाट, आप देख सकते हो लोग वहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, इतना मस्त सजा हुआ है। इसको हम लोग अभी मतलब जलाएंगे और इसमें प्रवाहित करें, मतलब इसमें निधि वन के आसपास ही घूम रहे हैं मंदिर में, यहाँ पर सोने का खंबा वगैरह। विष्णु का मंदिर नारायण मंदिर है, और नारायण का वाहन कौन? गरुड़। बेटा गरुड़ स्तंभ आज देखे, आगे वाला 8:04 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर। तो श्रद्धालु का भीड़ यहाँ तक लगी हुई है क्या? Thank you.
डे टू स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। ये है एंट्री गेट, कुछ ऐसा दिखता है। ये नॉर्मली काउंटर होते हैं, यहाँ पर जाके पता कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिनिमम 60 रुपीज़ में गद्दा मिल जाता है रात को स्टे करने के लिए, और अगर आपको गद्दा नहीं बेड चाहिए तो बेड भी मिल जाता है 225 यानी 225 रुपये में आपको ठीक ठाक बेड मिल जाता है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये हम लोग चलेंगे, यहाँ से जाएंगे अभी सबसे पहले बाकी बिहारी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर दर्शन नहीं हुआ था हमारा। ये है और ये गेट है, आप देख सकते हो। भैया से उनको ये दिखाते हैं, चेकआउट कर रहे हैं हम लोग ध्यान से। पर यहाँ बंदर होता है, बंदरों से कृपया सावधान रहे, क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना। ये गली है, ठीक है, यहीं से आ रहे लोग, हम भी चलते हैं यहीं से। भीड़ देखो आप, यहाँ सबको चाहिए होगा तो ले सकते हो। जगदीश बोलो राधे राधे। यहाँ से लोग एंट्री लेते, जब हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं तब का ये है दृश्य, राम जी और उनके संजीव। यमुना मैया, ये है वैष्णो देवी माता, और इनके जस्ट यहीं पर है माता गंगा। नूतन साजे नूतन रंगी सेजे छे सवारी मन, पूजोर तीनी हासी गानी कटबे खुशी ते जीवन, मनेर आशा ए भालो Oh, 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 oh
जैसे 12:10 ट्रेन आने वाली है, 12:11:58 हो रहा है, देता हूँ आपको बताता हूँ कैसे लग रहा है। लग रहा है मस्त, मजा आ गया।